विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी आज यानी 22 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान जाएंगे। वहां जाकर वो एनडीए प्रत्याशी अमन हजारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बीते दिन मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी ने कुशेश्वर स्थान के एनडीए प्रत्याशी अमन हजारी को जीत की आशीर्वाद दी। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि कुशेश्वर स्थान की जनता ने इसके पहले भी एनडीए गठबंधन सरकार के साथ थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ है। वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी कुशेश्वर स्थान के केवट गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुकेश सहनी खुद दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। कुशेश्वर स्थान में उनका भावनात्मक जुड़ाव है। न्याय के साथ विकास की यात्रा में शामिल होना समय की जरूरत है और उपचुनाव में नीतीश कुमार की सोच को और मजबूत बनाने के लिए एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए वीआईपी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मजबूती से काम करेंगे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने आगे बताया कि वीआईपी पार्टी ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार की रणनीति बना ली है और उन्हें पूरा विश्वास है कि कुशेश्वर स्थान की जनता अमन हजारी को जीत का आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ ग्रह कलेश कर्ज मुक्ति प्रेम विवाह जादू टोना पति पत्नी में अनबन सौतन या दुश्मन से छुटकारा विदेश यात्रा में रुकावट फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी कुशेश्वर स्थान पहुंचकर एनडीए के प्रत्याशी अमन हजारी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कुशेश्वर स्थान की जनता ने इसके पहले भी एनडीए गठबंधन सरकार के साथ थी और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका आगे कहना है कि जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ एनडीए के साथ है।